बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले अब हमारे बीच नहीं रहे। बीमारी के चलते 26 नवंबर को 77 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। विक्रम गोखले ने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। पिछले 18 दिनों से वो हॉस्पिटलाइज्ड थे। बुधवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस दौरान उनकी मौत की अफवाह भी सामने आई थी, जिसका परिवार ने खंडन किया था। एक्टर के निधन से देश भर में शोक का माहौल है। बॉलीवुड और टीवी सेलेब समेत कई नेताओं ने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, मराठी और हिंदी दोनों ही सिनेमा की शोभा बढ़ाने वाले दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले के निधन से सिनेमा जगत और थिएटर इंडस्ट्री को अपूर्ण क्षति पहुंची है। वहीं अक्षय कुमार ने लिखा, विक्रम गोखले के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके साथ भूल भुलैया, मिशन मंगल जैसी फिल्मों में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओम शांति। वहीं अभिनेता सयाजी शिंदे ने लिखा कि विक्रम गोखले का निधन बेहद दुखद है। हम उनकी एक्टिंग देखते हुए बड़े हुए हैं। इस मुश्किल घड़े में हम उनके परिवार के साथ हैं। वहीं मनोज वाजपेयी ने लिखा, भारत सिनेमा ने एक अद्भुत सितारे को खो दिया है। अयारी में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। सेट पर उनके साथ बहुत कुछ पल साझा किए थे। श्री विक्रम गोखले जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे विचार और प्रार्थना परिवार के साथ है। वहीं अनुरोध दावे ने लिखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर विक्रम गोखले जी, आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू, इट्स एंड ऑफ एन एरा। वहीं रवि किशन जी ने लिखा, मेरे पसंदीदा कलाकार विक्रम गोखले जी नहीं रहे, महादेव उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।